अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो एक बार कर लीजिए। मैं आपको बहुत ही अच्छी वीडियो ला के बताऊँगा, न्यूज़ बताऊँगा कोरोना के ऊपर, बहुत जल्द से जल्द अच्छी न्यूज़ देते रहूँगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सुनिए, दिल्ली के अंदर में कोरोना का मामला जिस तरह से रफ्तार बढ़ा, रफ्तार कम हुई, जब तेज़ी से जब बढ़ रहा था तो कुछ नेता लोग ऑक्सीजन की मांग रहे थे कि ऑक्सीजन नहीं है दिल्ली में अंदर, नहीं है, सरकार मदद नहीं कर रही है, बहुत तरह की प्लानिंग थी सरकार के पास। लेकिन अब बताइए, अब वही ऑक्सीजन गौतम गंभीर के पास कैसे आया, है ना, कुछ आम आदमी पार्टी के पास जो थे कुछ नेता उनके पास कैसे आया, कुछ कांग्रेस की प्रवक्ता के पास कैसे आया, अब कैसे लोगों के पास गरीब के लिए ऑक्सीजन कैसे निकल रहा है। तो कहने का मतलब है सरकार को जांच करनी चाहिए, इसके सीबीआई लगानी चाहिए कि कैसे वो जो हैं, पहले जब कोरोना की रफ्तार बढ़ रहा था तो बेड नहीं था, टैबलेट नहीं था, वैक्सीन नहीं था, गैस सिलेंडर नहीं था। अब बताइए कि ऑक्सीजन गैस नहीं था तो अब कैसे आ गया, जब कोरोना की रफ्तार जब दिल्ली के अंदर कमी हो गई, जब केसेस आठ हज़ार आने लगी तो अब कैसे आ गया। तो सुप्रीम हाईकोर्ट को इनके ऊपर, कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, इन तीनों के ऊपर कार्रवाई सख्त लेनी चाहिए सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द लेनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जमाखोरी करते हैं, देश को बदनाम करते हैं, विदेशी लोग पश्चिमी जो न्यूज़ चैनल वाले हमारे देश को बदनाम करते हैं। इनको ये पता नहीं कि राजनीति का मतलब क्या है, कि कैसे ऐसे जो नेता बन जाते हैं लोग, एक दूसरे को हाथ बढ़ाना चाहिए, है ना। आज गरीब आदमी, ये लोग मीडिया में जाते हैं और ये लोग ट्विटर अकाउंट पर अपना नाम पब्लिसिटी बनाते हैं, वोट बैंक राजनीति करते हैं लोग हैं, ये लोग कुछ नहीं करते, ये अपना ही जेब भरते हैं, कि इसलिए करते हैं लोग हैं कि इनका वोट बैंक बने, राजनीति करना चाहते हैं, गरीब कुछ भी हो जाए। तो कहने का मतलब है सरकार को इसके ऊपर बड़ा एक्शन लेनी चाहिए, सरकार तो खुद चोर है। तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर FIR दर्ज करनी चाहिए और इनके कानून के तहत इनको जेल देनी चाहिए, पूरे कारावास देने चाहिए, इनको पूरे जीवन भर के जेल देने चाहिए। ऐसे नेता देश के लिए क्या करेगा, जो बताइए जमाखोरी करता है, क्रिकेटर से MP बन गया, जमाखोरी चोरी करता है, गरीबों को पैसा, जनता के पैसा को लूटता है और देश की सेवा चला करने कहता कि मैं नेता बन गया। जमाखोरों सुधर जाओ, देश को सुधारने के लिए तुम चले हो, तुम खुद लूटे रहे हो, तो इस तरह से देश को विकास नहीं होता। मैं किसी नेताओं को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब कि गलत है ना। आप एक तरफ गरीब आदमी मर रहा है, तो बताइए कश्मीर में एक मुस्लिम थे जो बेचारे को गैस पर हमेशा रहते हैं, है ना, उनका नाम है मकबूल अंसारी, उनका एज 60 साल है, वो गैस सिलेंडर पर रहते हैं, फिर भी वो लोगों को सेवा करते हैं। बताइए ऐसे से लोगों को आने चाहिए ना, गैस सिलेंडर चोरी करते हैं, जमाखोरी करते हैं और कहते हैं मैं सेवा कर रहा हूँ, अपनी पब्लिसिटी बना रहे हैं ट्विटर पर, फॉलोअर बना रहे हैं कि मैं सेवा करता हूँ। अरे सेवा करना तो उसको सेवा करो, धरती जमीन स्तर पर जाकर सेवा करो, फिल्म स्टार सेवा हो रहे हैं, फिल्म स्टार अपना नाम कमा रहे हैं। अरे सेवा करने का मतलब है कि जो आपके पास गैस सिलेंडर है चुपचाप डॉक्टर को दे दो, हॉस्पिटल दे दो, डॉक्टर किसी को दे, सेवा करे, वो होता है सेवा। सेवा मतलब ये नहीं हुआ कि नाम लिखवा दिया मंदिर में जाके, इतना मैंने सेवा की, इतने लोग मैंने खाना खिला दिया, ट्विटर पर अपना फोटो पर छपवा लिया, अपना नाम करके दर्ज करा दिया, वो सेवा नहीं होता। सेवा दिल हृदय से की जाती है, भावना होनी चाहिए आपके अंदर, भाव होनी चाहिए सेवा करने का। फोटो खिंचाने से नहीं होता है, ट्विटर पर डालने देने से नहीं होगा कि मैंने 10 लोगों को मैंने गैस सिलेंडर दे दिया, फ्री में दे दिया, तो ये सेवा नहीं होता है। सेवा का मतलब होता है दानवीर, करण बनो, करण दानवीर बनो, तो देश की सेवा होगा। ऐसे नेता, गद्दार नेता है, लोग देश को बर्बाद कर देगा। तो भाई बहनों, अगर अधिक से अधिक हो सके तो इसको शेयर करो और अधिक से फैलाओ, ताकि जनता तक पहुंचे, आवाज़ पहुंचे, और जब चुनाव जब आएगा तो वोट उसी को देना जो जिस तरह का होगा, और नहीं तो वोट मत देना और नोट दबा देना। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।